लगे ना ऐसे नयो खरीद ले। हाँ ये है, ये कलर लूंगा तो ये लूंगा नेचुरल टाइटेनियम। अगर भाइयों गुड मॉर्निंग, अरुण पवार एंट्री, अभी केएमपी एक्सप्रेस वे पे जा रहा है भाई अगेन फिर से भाई। नेक्स्ट डे मेरे को जाना पड़ रहा है इस फोन को लेके, कल तो वो पूरा हो नहीं पाया था भाई कि एक बार सर्विस सेंटर एप्पल वाले पे भी डुला ला हूँ। बहुत भाई कह रहे थे, वही भाई वही बात प्रूव हो गई कि सस्ता रहो बार बार महंगा रहो एक बार। बिल्कुल राइट भाई, मैं पहले इसको एप्पल सर्विस सेंटर ले जाता तो बेस्ट रहता, पर भाई पता है मैं सही बताऊँ आदमी ना वहाँ लच कर जाता जब 45-50 हज़ार रुपये बैक पैनल के हो। सोच के देखो यार, एक बैक पैनल के 45-50 हज़ार रुपये, फिर आदमी सोचता है यार वही काम 2600 में हो जाए तो क्या दिक्कत है। जैसे महिंद्रा में अलॉय व्हील्स हम डलवाते हैं, जैसे किसी ने स्कॉर्पियो एन ली भाई, वो 72 हज़ार के डालेंगे आफ्टर मार्केट निक्कू भाई, सेम चीज़ को 45 हज़ार में डाल देंगे। जस्ट क्या है कि वह एप्पल का लोगो आ गया, ऑथोराइजेशन आ गई, तो इस बात को पैसे लेते, तो आदमी कहीं ना कहीं ये थॉट ले लेता है। बाकी पैसे की तो भाई बात होती नहीं है, वो तो ऊपर वाले की दया से मौज है, पर वो ये जितना बच जाए उतना बेस्ट रहता है, बेफालतू चीज़ों में क्या ही खर्च करना। पर भैया अब भाग में लिखी थी ऐसा होना तो हो गया, इसको कौन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, पर हम अपना क्रम पूरा कर सकते हैं, फल की चिंता तो क्या ही करनी है। तो एक बार एप्पल सर्विस सेंटर में और दिखा लेता हूँ उनकी एक राय, अगर वो चलो मेरे को पता है वो शायद मेरे कई जनों से बात हुई, वो कह रहे हो आपके फोन को शायद वो छूने से ही मना कर देंगे। मामा क्या पकड़ ले फोन है भैया, कष्ट दे रहा है यार एक मिनट में ही भाई। तो भाई उन्होंने बोला कि एप्पल वाले ना ऐसे कह देते हैं अगर बाहर से खुलवा लेते फोन को, कि भाई अगर आपने बाहर से फोन खुलवाया तो हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब देखो भाई एक बार चलो हाथ मत लगाओ भैया, भाई एक राय दे दो क्या करना चाहिए। ज्यादातर तो वो बोल रहे हैं वो दुकानदार कैमरा चेंज होगा कैमरा चेंज होगा, पर उनको ये नहीं पता भाई कैमरा भी मैं चेंज करवा लूँ तो इसका लेंस जो ऊपर वाला वो आफ्टर मार्केट सा है वो चेंज नहीं होता, इसका भीतर का डिपो चेंज होता है। अरे वो डस्ट वस्ट तो लेंस में अंदर है। फिर एक सरदार जी ने वो मैग्नेट वैग्नेट का बताया था, उसमें मैंने इससे पूछवाया, आज जाके देख लो उसका सेटअप तैयार हो गया, वो कह रहे कि अभी सेटअप में भी टाइम लगेगा और जो बंदा करता है वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रखा है। तो मतलब बड़ी दुविधा सी है, और नया मैं खरीद नहीं सकता। चलो नए पे ही आ जाते हैं, हम खरीद तो क्या सकता है यार, हो जाएगा स्वाइप 1.5 लाख रुपए और सही कोई बात नहीं, बट भाई द मेन प्रॉब्लम इज 15 प्रो में अपग्रेड मैं करूं क्यों। एक बात बताओ 15 प्रो में बदल लिया जाएगा, एक एक्शन मोड आ जाएगा और एक टाइप सी आ जाएगा। टाइप सी मैं चाहता नहीं, क्योंकि अभी जैसे हम चलो यार दोस्त सब ट्रिप पे निकले ज्यादातर मोस्टली यार दोस्तों पे भी, अब आजकल आईफोन है, मोमो का तू भी अपना आईफोन दिखा, ये देखो मोमो के भी आईफोन, तो सब क्या है एक केबल से काम हो जाता हमारा, ऐसी एक केबल पो देते हैं लाइटनिंग और उससे सबका काम हो जाता है। अब भाई मुझे न्यारा बनने का शौक थोड़ी है, अब क्या है मान लो हम 4-5 जने ट्रिप पे गए हैं, सबकी लाइटनिंग है, सब लाइटनिंग से चार्ज कर लेते हैं, मैं न्यारा न्यारा डोलू फिर टाइप सी लगाऊं अपनी में, टाइप सी ढूंढूं अपने लिए स्पेसिफिकली। इसलिए भाई नया तो भाई मैं नहीं चाहता, अगर कुछ भी हल्का भी अपग्रेड होता ना कि मेरे काम का है, कैमरा अच्छा है या कुछ नया फीचर है कोई अच्छा है, डायनेमिक आइलैंड हवाई होती तो मैं सोच के लेता अब तक खरीद के फांस काटता, बट कुछ है ही ना तो क्या चेंज करेंगे भाई, तो कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई। भाई अभी पहुंच गए फरीदाबाद, ये आ गया आपको गाड़ी दिख रही है किसकी है बताओ, गैस करो। ये एक हमारे दोस्त है फ्रेंड उसके, तो देखो उसका गाड़ी चलाने का तरीका देखो, अभी इनोवा वाला ठोकते इसको नहीं ठोकता, अगर ठुक जाती तो ये अपने आप में ड्राइवर बहुत बड़ा बनाया ये भाई। ये लत्ते भी लेने आया है, एक्चुअली हम ट्रिप पे जाने वाले हैं 2-4 दिन बाद ना शॉपिंग करने, जिससे कहते हैं शॉपिंग फॉर न्यू ट्रिप ऐसे करके, तो इसको दिला देते हैं लत्ते वत्ते, मैं भी दिखा दूंगा एप्पल सर्विस सेंटर तो, पर मैं अपनी गाड़ी पहले कहीं लगा दूँ, हम इन रईस नहीं है कि भैया 2-2, 3-3 गाड़ियों से ढोलें। तो भाई अब हम शिफ्ट हो गए हैं, ये देखो भाई ये इतनी बुरी तरह रेस गाड़ी चलाता है वो इनोवा वाला, मैंने आपको दिखाया था इसके टीथ टूट गए, पर इनके भाई ज्वेलर्स की शॉप, इसके पापा इसके सोने के दांत चढ़ा देंगे। तो भाई आप क्या करने आए हो ये बताओ मेरे को, आप फरीदाबाद शॉपिंग करने आप क्या ये कौन ऐसी पेंट कौन पहनता है भाई, ये कौन लोअर ऐसी रहे हैं फिर, ये कहाँ है ये क्या है ये है। तो भाई आपका बजट कितना है गाइस सुनो, ये लोग ऐसे गधे हैं यार, यहाँ लिया है इस पे, ये वैसा है फोन बेचने वाला, ये भी दो रहते हैं ना, एक जगह फोन बिकते हैं एक जगह सर्विस सेंटर होते हैं, जैसे गाड़ी के एक जगह शोरूम एक जगह सर्विस सेंटर, शोरूम पे लिया है शोरूम पे हमको कि नया लेना है यार भाई। अब मैंने विधि का विधान हो नया मांग रहा हूँ फोन भाई, नया तो नहीं यार, यार माइक भी खराब है को, तुमने मेरी वीडियो देखी हो तो
जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना मेरी आवाज दबी दबी सी आ रही थी, पता नहीं उसने चेंज कर दिया क्या कर दिया। 2 किलोमीटर है यहाँ से सर्विस सेंटर, तो जरा वहाँ पे चल के दिखाते हैं क्या रहता है क्या नहीं। और ये तो गेट लॉस्टर बोल देते हैं भाई वो बोलते हैं 2 किलोमीटर वाले, ये नहीं बोलते वो ये, हाँ ये ना बोलते है सर्विस सेंटर वाली बोलेंगे ऑब्वियसली। एक फरीदाबाद न्यूज करके फेसबुक पे पेज है भाई, वो किसी मैडम की में दिक्कत आ रही थी तो वो गए थे चलिए बातचीत करते हैं अंदर चल के। तो वो कहता है एप्पल वाला शो मी योर आईडी कार्ड। वो कहता नहीं नहीं मैं आईडी कार्ड दिखा दूंगा पर आप बात करो मेरे से पहले, कहता शो मी योर आईडी कार्ड फर्स्ट। अब उस पर होगा नहीं है कुछ भी, गेट लॉस्ट भाई कैमरे पे लाइव ऑन कैमरा भाई, ये हाल होते हैं इनके। तो मुझे पूरे फरीदाबाद जानता है ये नहीं जानता भाई एप्पल सर्विस सेंटर ने हम यहाँ ला के पटक दिए तो घर बाहर है कोई सेक्टर 15 भाई। गूगल में उसी पागल है का ये कहाँ है, तो बड़ी बड़ी कोर्ट ये होगा शायद, ये तो कोर्ट ही है भाई, यूटर्न मारियो है कहीं होएगा शायद 15 में ही कहीं तो आ गए थे। आगे जिगर ने दिख रही तो है यार ड्राइवर भाई। अब देखो वहां से भी आ गए, अब एक एंड में देखा क्राउन इंटीरियर्स मॉल फरीदाबाद में कर गए, तीसरी जगह आ रहे हैं गूगल मैप देख के। यहाँ भी ना मिला तो फिर क्षोभ आ जाएगा, ना मिलो तो छो आ जाएगा। पर आज तो सही चल रहा, आज या नहीं खल्ला भी ऐप ना दियो कैमरा ने जब तक मैंने देखो ये चीज। हाँ अब कोई दिक्कत नहीं कर रहा है भाई। वहाँ तो आपको पता है इतनी देर लगाते हैं, तब तक मैं आ गया देखने। ये देखो कौन सा है 15 प्रो। अब मैंने इसकी रीसेल लगवाने की कोशिश करी, ये लोग बोलते भाई इंटरनेशनल की यहाँ पे नहीं लगते, हम नहीं लेते इंटरनेशनल हम नहीं लेते। ये भाई देखो मेरे पास जैसे 500, अबे तो रुक जा, ये 512 GB भैया 1,64,165 का है भाई। ना ना मेरे भाई तू मान जा यार, पहले जी टेट हूँ मैं, मान जा जब मैं थोड़े बेसल से कम कर दिए हमें। हाँ यार लगे ना ऐसे नए खरीद लगे। हाँ ये है, ये कलर लूँगा तो ये लूँगा नेचुरल टाइटेनियम, अगर लूँगा तो 15 प्रो। पर भाई इन्होंने मना कर दिया लेने से, हम एक्सचेंज में नहीं लेते। अब क्या करें वो भाई, उनको आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, वो इतने बेकार लोग होते हैं तो इसमें पट देसी आ जाते हैं। हाँ जी सर लेने के टाइम पे 80,000 रुपये दो, 1,00,000 रुपये दो। ये 1,00,000 में भी ना है ना भाई, मिनिमम भी 135 से स्टार्ट है ना, 128 से 135 इसे। तो चल क्रोमा में पूछ के आते हैं भाई, आओ एक बार रेट क्या लग जाएगा इसका। अब तो भाई ये बेचने में ज्ञान है इसको काफ़ी ज़्यादा ना, क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया यार। अब मेरे को बिल्कुल फील नहीं आ रही इस फोन के अंदर, मैं जब वो इंड्री वाले चैनल की कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिल में धक धक हो रहा है। ये मॉल है भाई इंटीरियर। अच्छा मैं तो पता ही नहीं था, हम तो ये समझ रहे थे ग्रोसरी की दुकान पे आ गए भाई। ये आ गए हम क्रोमा, इन्होंने पहले लगाई 80,000 वैल्यू, हमने कही ठीक है डन करो 15 प्रो दे दो हमको, अभी हैंड टू हैंड 60-65,000 रुपये ऊपर मिला के मिल जाता। फिर इन्होंने फिर लगाई टोटल, हमने कहा फाइनल करो, फिर उन्होंने कहा 52,000 रुपये देंगे, 52,000 रुपीज़ दिस इज नॉट फेयर, एक बार फाइनल वैल्यू लगवा लेते हैं। ये से गया है ले ले भाई तू, ये ले ले मस्त है, 76,000 में तो कोई घाटा नहीं है। भाई सैड लाइफ, इन्होंने लास्ट 58,000 रुपीज़ लगाए, मतलब जबकि इनको ये नहीं पता कि कैमरा ख़राब है या फिर ग्लास टूटा हुआ है, तब इनको ये नज़र में एकदम ओके फोन, तब 58। सेकंड हैंड की तो कोई चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ हो, है ना। नया ले लो 1.5 लाख का, नीचे तो बात ही ना करेंगे हम यार। 58,000 नए फ़ोन के हद भाई, हम वो दोनों हमने बेच दिए सर्विस सेंटर में, जाओ मैगडी मार के चुपचाप खाने के नहीं ला गई। यार एक कैमरा भी सही बढ़िया है यार, है ना। हाँ आ गए भाई, ये भी आ गए हैं, इनके लिए भी हमने ऑर्डर कर रखा था पहले ही ऑलरेडी। ओके ये सॉफ्टवेयर हो गया, 1,500 रुपये का काम हो गया ना आपका सॉफ्टवेयर का चार्ज नहीं है, सॉफ्टवेयर से नहीं हार्डवेयर रहा। हार्डवेयर का कैमरा अगर ख़राब होता है तो कम से कम 12 से 14 हज़ार का कैमरा आएगा, वो हम बताएँ भी पहले आपको कराते तो ठीक है, अदरवाइज कितने मुझे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करूँगा तो 500 सर्विस चार्ज पे करना होगा, ये रहेगा प्रोसीजर। कैमरा फॉल्टी रहा तो 12,000 12 से 14,000 भाई। ये तकिए से को मैं तो 100-200 समझता था, ये तो 1,436 रुपये के होते हैं, मैं सोचा ट्रिप के लिए काम आएगा, गाड़ी में ले चलते भाई। हम यहाँ भी गए फोन में दिखवाने, ये एक्सचेंज में लेते नहीं रिलायंस वाले तो, रिलायंस डिजिटल वाले भाई। अब हम ये छोरा है डुला के लिए क्या प्यूमा जूडियो एडिडास, वहाँ तो इसका बजट था नहीं तो अभी डी कैथलोन में आया है एट द एंड की भैया, वो तो डी कैथलोन ही उठेगा, इसको लोअर चाहिए 300-400 वाली
बस स्टैंड पे भी लेके गए थे पर वहां इसको कलर कलर नहीं मिले थे। काई करो, मजाक कर रहा हूँ मैं। कब गए हम बस स्टैंड? क्या लगा दो वैगनर, किस लगा दो वैगनर भाई साहब? आप फाइनल स्टोर पे वेस्ट साइड कहते हैं इसको। कुछ नहीं लिया जब यहाँ से भी लिया, लिया, लिया। तू तो लियो ना, तू तो रईस है, हमारे तो किराया आ रहा है इसका थोड़ी। इसके तो ज्वेलर्स पे कई दिन गले की चैन वैन बिक गई तो खरीद लेगा। तुम्हारी ऐसी कैसी चॉइस होती है यार? गोवा टाइप है ना ब्रो। गोवा गोवा कौन जा रहा है भाई? चलो भाई चलते हैं, यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। इसमें लोअर नहीं मिलती बताई भाई साइड में। यार मैं सोच रहा हूँ कितने सारे स्टोर हैं, ट्रेंड्स फ्रेंड्स जुड़ियो पुड़ियो सब के लत्ता बिके हैं यार। लाइफ स्टाइल और भाई कितने स्टोर हैं, सब बिके हैं, सब बिके हैं। कुछ भी खोल लो तुम, कोई भी दुकान खोल कर बैठ जाओ। 16 सेंट अब 16 जाएगा उनमें। विंटर का, हाँ विंटर का स्टॉक है, लाइफस्टाइल में मिल जाएंगे भाई। तुम ऐसे ही डुलाओ बस, यहाँ छोड़ दिया 8 बजे। ठीक है, ओके ठीक है, कल आ जाओ लेने का। नहीं है भाई दादा को, ओके भाई चलो आ जाओ बस। भाई लत्ते तो मिले नहीं आज, हमारे अभय भाई का बर्थडे है, मतलब मिल गए। यहाँ पे आए हम नकली दुकानों पे, वहाँ पे जाके मिले। अबे भाई के लिए मैंने ये भी ले लिया 30 रुपीज का। ले भाई रख ले इसको, अबे भाई के लिए। ओए भाई साहब फोग देखो आज कितना भयंकर फोग पड़ रहा है कैमरे में, जैसे कैमरे में दिखता है ये बात मैं नोटिस करी है। बहुत ज्यादा धुंध है यार, और रेस लग देखो। ओ हो कितने नच रहे हैं भाई। ये अलग किया में जा रहे हैं, हम लोग अलग किया में जा रहे हैं। हमको एक्चुअली आज दिन भर याद ही नहीं था भाई का बर्थडे है, तो कल हमारा खाटू श्याम जी जाने का प्लान है, तो वो कह रहा चलो आज ही मना लेते हैं। मैं कहा ओके भाई चलो आज ही भाई। केक वेक गुलाब गुलाब ले लिए मैंने, और अब गोल पड़ रहा है, रात को 9 बजा दिए इसके लगते फाइनल हुए। अब फाइनल जाके एक जगह करे, वहाँ इसकी फिटिंग नहीं बैठी, लोवरों को सिलवाने बैठा फिर ये तरीजदार राजकुमार। फिर भाई वहाँ पे भी दिक्कत ये हुई, फिर मैंने कहा भाई आधे घंटा लगेगा, फिर 10 बजे कहाँ पहुँचते। हमने कहा चलो यार छोड़ो, कर ले जाइए अपने लगता ने, और बाद में ले जाएगा 2-4 दिन बाद। यस ले लेगा, वहां से पिक कर लेगा, और तो क्या ही है। क्या हो गया जी? मेरी गाड़ी आगे तिल घुस होगा मेरी गाड़ी को। भाई मान गया भाई, कुछ नहीं हुआ। ये दिनेश की गाड़ी है भाई, ये लाए थे I love Topa. Hey, happy birthday. मनीष का पकोड़ा वाले भी ले आए। यही है वो। इतनी फोन फोन देगा वो हमारे जोर के। बढ़िया बढ़िया होगा। बढ़िया तो होगा। तुमने कभी नहीं नहीं सोचा कि भाई कि आप कहे आ गए ना? I love you. नया साल मुबारक 2024। आपको भी मुबारक हो। नहीं आपकी तरफ तो मुबारक, आपको लाइक करो, लाइक कर दिया बस। कैमरा खराब हो।